भाबोसा कह रही हैं वो धर्म है, परंपरा है, सदियों से चलती आई है, परंतु जो मित्र ध्रुव कह रहे हैं वो एक नया विचार है। हम कुछ समय सोचना चाहेंगे, विचार विमर्श करना चाहेंगे इस पर, और फिर अपना निर्णय सुनाएंगे। परंपरा और मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर चुका है वो परदेसी। विधवा विवाह जैसे अधर्म का समर्थन भी किया उसने, जिसने मारी बेटी मीनाक्षी को अपने जाल में फंसाया, और जिसने मारी बींदनी को बिना ओढ़ने देख लिया, उससे आशा भी कई की जा सकती है। ऐसा ही रहा तो उसकी बातों का प्रभाव इस दरबार से प्रजा और प्रजा से राज्य तक फैल जाएगा, और हम कुछ को नहीं कर पाएंगे। बाबूसा, आप चिंतित ना हो बाबूसा, आपका बेटा ऐसा होने को नहीं देगा। हमें उम्मीद है कि आप बल्लभगढ़ से कुछ अच्छी खबर लाए हैं। छोड़ा चांदी, प्रणाम भाबोसा। कई है ये माण, या है ध्रुव नामक समस्या का समाधान। मतलब या तो ईट है, या ईट ही ध्रुव के वल्लभगढ़ से जुड़े सच को बाहर लावेगी बाबूसा। सब बास मान, अब होगा असली तमाशा, और उस तमाशे में हम ध्रुव को इतना मजबूर कर देंगे कि वो सबके सामने सच स्वीकार कर लेगा और स्वयं सबको अपना राज भी बता देगा। बाबूसा, हम जानना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा दरबार क्यों बुलाया, और इस पत्थर के यहाँ होने का क्या अर्थ है? ये आम पत्थर को नहीं प्रताप बना, बल्लभगढ़ का विध्वंस तो 6 वर्ष पहले ही हो चुका है। पुराने बल्लभगढ़ के नाम पे एक समान स्तंभ था, हमने उसे विधा दिया। ये अंतिम ईंट उसी समान स्तंभ की है। बल्लभगढ़ तो अब नए सिरे से बन गया है, और उसको आप ही ने बसा है। वहां की एक एक ईंट देवगढ़ की है। बल्लभगढ़ के इस परिणाम से हम प्रसन्न हो गए। और इसीलिए कल से देवगढ़ में वल्लभगढ़ के नामों निशान मिटने का जश्न मनाया जाएगा। वल्लभगढ़ के राज परिवार के हर सदस्य के नाश का जश्न मनाएंगे हम। बल्लभगढ़ की बर्बादी का ऐसा जश्न मनाएंगे कि उसे देखकर उनके पूर्वजों की आत्मा कांप उठेगी।
और आने वाले नस्लों की रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वल्लभगढ़ का राजा महावीर और उनकी रानी, उन दोनों का हश्र और अंत देखकर मारा मन तो प्रसन्न हो गया है। अब जाकर मन को शांति मिली है, ऐसा ही होना चाहिए वल्लभगढ़ के साथ। बस वल्लभगढ़ के अपमान में हम एक शब्द और नहीं सुनेंगे। यहां तो सब ठीक हो गया, बस ध्रुव ने वहां सब संभाल लिया। थारी हिम्मत कैसे हुई? देवगढ़ की धरती पर खड़े होकर वल्लभगढ़ के गाथा वाली किताब को जलन से बचाने की तारी हिम्मत कैसे हुई? विवाह आप देवगढ़ की राजकुमारी के साथ कर रहे हैं और आपकी निष्ठा वल्लभगढ़ के साथ, क्यों? ऐसी कौन सी कड़ी और कौन सा रिश्ता है आपका वल्लभगढ़ के साथ? ये गाथा वल्लभगढ़ की नहीं है, जिसे मैं जलने से बचा रहा था वो गाथा आपके राज्य देवगढ़ की है। अपने देवगढ़ की गाथा को बचाने के लिए अपने हाथ जला ले। भाबोसा, भाई साहब, अब भी कोई संदेह है आप लोगों को? जो परदेसी बहुत चलाक है, बच के निकल गए हो, इनका सच सामने लाने के लिए कोई और उपाय करना होगा। बहुत अच्छा लगा तारा, तुमने और प्रताप जी ने दो प्रेम करने वालों को मिलवाकर शादी करवा दी। हमने तो भेस बदल कर वो कार्य कर लिया ध्रुव, परंतु तुमने वल्लभगढ़ की पुस्तक चलने से कैसे बचा ली? मैंने वल्लभगढ़ की किताब की जगह कोई दूसरी किताब रख दी थी। आप चिंता ना करें, जो पुस्तक चल रही है वो वल्लभगढ़ का इतिहास नहीं, कोई और पुस्तक है। हम जानते हैं आपने वल्लभगढ़ की पुस्तक को किसी और पुस्तक से बदल दिया था। हमने उस पुस्तक देवगढ़ के इतिहास की पुस्तक से बदल दिया। इतिहास किसी भी राज्य का होता रहा, धरोहर होता है, और भले ही धरोहर वल्लभगढ़ का चले या फिर देवगढ़ का, चल तो इतिहास ही रहा है ना तारा। और किसी इतिहास को जल कर राख कैसे होने दे सकता हूं? तुम्हारे मस्तिष्क में सही और उचित कार्य करने के लिए कोई ना कोई अद्भुत उपाय आ ही जाता है। तुम्हें याद है सेनापति सम्राट से उन्हें कैसे भूत बनकर डराया था तुम? याद है तुम्हें? सेनापति सम्राट सिंह Thank you.
ये तो कितना अनोखा तोहफा है, है ना? हम आपके और परदेसी अतिथि के लिए लाए हैं। और ये तोता हमारे समस्या का समाधान कैसे करेगा? भाभूसा, बल्लभगढ़ से जुड़े किसी भी व्यक्ति या वस्तु को आसानी से पहचान सकता है ये। इसका नाम है प्रीतम प्यारी। हम अभी दिखाते हैं। क्या है ये? और ये क्या है? इसकी मदद से ध्रुव की सच्चाई का पता लगाना है। आपके भाईसा को आपका और परदेसी अतिथि का रिश्ता रास नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम आपको ये उपहार छुपके दे रहे हैं। आप इस तोते को ध्रुव जी के पास ले जाइए। ये दिव्य तोता है। अगर इसने उन्हें पहचान लिया तो समझिए वो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। कोई तो कड़ी जुड़ी हुई है बल्लभगढ़ से। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।